हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 times ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट ना करे वो किसी और के लिए हो सकती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स किस एनर्जी में हैं अभी इस वक्त ज़्यादातर लोगों के पर्सन। कलेक्टिव लेवल पे एनर्जीज वी हैव 3 of Wands, किंग ऑफ वांड्स विद एस ऑफ वांड्स, then we have hermit, 3 of Swords, hierophant, 2 more cards, okay, we have queen of cups with 5 of Pentacles, overall energy है 5 of Swords, कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं आपको कार्ड्स, थोड़ा शाइनिंग डेक है। तो ओके, तो वी हैव वॉन्ट्स, सो मच ऑफ वॉन्ट्स, देन वी हैव कप्स, वी हैव स्वर्ड्स, वी हैव पेंटिकल्स, वी हैव ऑल द साइंस, सभी साइंस हैं यहाँ पर। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी थोड़ी सी ऐसी है जैसे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, तो पैशन बहुत स्ट्रांग है। पैशन क्या होता है, आप किसी चीज़ को चाह जाएं और आपकी एक एनर्जी ऐसी हो कि यार मुझे उसको पाना है, किसी भी तरह पाना है, किसी भी हाल में पाना है। तो ये जो एनर्जी होती है कि मुझे वो अचीव करना है, मुझे वो अपने पास चाहिए या वो चीज़ मुझे सक्सेसफुली जीतनी है, तो ये पैशन होता है। बिना पैशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में, चाहे करियर हो चाहे लव लाइफ हो। तो आपके पर्सन इस टाइम पे पैशनेट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, पैशनेट नज़र आ रहे हैं। एक तो फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, दूसरा दूरियों से परेशान हो चुके हैं, ये जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में इससे परेशान हो चुके हैं, तीसरा ये जानते हैं कि आप जैसा शख्स खोजना, दिया लेकर खोजेंगे तो भी नहीं मिलेगा, इतना प्यार करने वाला या इतने प्यार करने वाली, इतना ज़्यादा लॉयल डेडिकेटेड, जो दूर रहने के बाद भी किसी और की तरफ ना देखे। आज के टाइम में ऐसी सिचुएशन, ऐसा पर्सन, ऐसा प्यार करने वाला अगर किसी के पास है तो वो उसे कैसे खो सकते हैं? क्या आप खो सकते हैं? नहीं खो सकते। आप खो भी देंगे तो आप ज़िंदगी भर तड़पेंगे कि यार मैंने किसको खो दिया, तो ये कैसे खो सकते हैं? कैसे आप अपने आप को इतना कमतर आंक सकते हैं कि यार मुझे कोई भी छोड़ सकता है या छोड़ सकती है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, मजबूरी अलग बात है कि कोई बहुत ही ज़्यादा मजबूर है कि उसे आपको सेक्रीफाइस करना पड़े, अदरवाइज़ अगर मजबूरी इतनी बड़ी कोई नहीं है तो कोई क्यों सेक्रीफाइस करेगा ऐसे व्यक्ति को? तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आ रही है वो कास्ट की है, कल्चर की है, ट्रेडिशंस की है, बिकॉज हैरोफेंट यहाँ ट्रेडिशंस को दर्शा रहा है, रूल्स, रेगुलेशंस, बॉन्ड्स, कस्टम्स, हमारे ये रीति रिवाज हैं, हमारे ये रिचुअल्स हैं, उनके कुछ और हैं, हम नहीं करेंगे। ये जो एक कट्टर वाली जो सोच होती है ना कि नहीं, हमारे ट्रेडिशंस में ये फिट नहीं होगा या फिट नहीं होगी, हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, इसका स्टैंडर्ड अलग है, हमारा स्टैंडर्ड अलग है, तो ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी भी कौन, मे बी आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, या कोई एक्स पार्टनर जो आपके पहले से एग्जिस्ट करता है या करती है, तो ऐसे कोई सिचुएशंस हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा है। और ऐसी प्रॉब्लम्स के कारण आपके पर्सन का दिल दुख रहा है, ये वो सब कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो पैशनेट हैं, जिस चीज़ को ये अचीव करना चाहते हैं, और इन्हें सब्र रखना पड़ रहा है, पेशेंस रखना पड़ रहा है।
ये जिस सिचुएशन में बिल्कुल खुश नहीं हैं, जिन लोगों के साथ रहना नहीं चाहती या रहना नहीं चाहते, मजबूरन इनको उनके साथ रहना पड़ रहा है और रोज़ झगड़े हो रहे हैं, रोज़ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। इवन अगर आपसे बात हो रही है तो भी ये आपको बताते होंगे कि ये बहुत परेशान है, और अगर नहीं हो रही है तो बातचीत होगी और ये आपको बताएंगे कि ये कितने परेशान हैं, क्यों और किस सिचुएशन से ये गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं, चाहे करियर में, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे अपनी जो भी अदर सिचुएशंस हैं उनके साथ। बट ओवर एंड ऑल इनकी जो एनर्जी है उसमें आपके लिए प्रेम में कोई कमी नहीं है, आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, रिस्पेक्ट है, केयर है, और जो अदर सिचुएशंस हैं वहाँ पर मजबूरन रह रहे हैं बट निकलना चाहते हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं। ये एनर्जी है अभी इस वक्त, और रोमांटिक एनर्जी डेफिनेटली है बिकॉज किंग ऑफ वांड्स के साथ एस ऑफ वांड्स आया है, तो जो लोग कांटेक्ट में होंगे वो इनसे रेजोनेट कर पा रहे होंगे कि आपके पर्सन कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक होंगे इस टाइम पे, और जो इस टाइम पे नो कांटेक्ट में है बहुत जल्दी आपको उनकी एनर्जी पिक होगी। हो सकता है वो डायरेक्टली कॉल या मैसेजेस करें आपको। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है। कई लोग बोल रहे थे कि मैम डीपेस्ट फीलिंग्स की रीडिंग थोड़ी जल्दी पोस्ट हो जाए तो बेटर है, जैसे 9, 9:30, 10 बजे तक, तो मैं आज से जल्दी पोस्ट कर दूंगी, क्योंकि ज़्यादातर मैं पर्सनल रीडिंग सेंड करके 11 बजे मेरी पर्सनल रीडिंग सेंड होती है, उसके बाद में ये रीडिंग करती हूँ, तो अब से मैं ये रीडिंग पहले पोस्ट करूँगी क्योंकि टाइम सब सेट करना पड़ेगा मुझे, आगे पीछे करना पड़ेगा सारा टाइम। बट काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम रात को हम वेट करते हैं और सो जाते हैं, तो इसलिए आज से ये रीडिंग आई थिंक 9:30 to 10 तक मैं डेली पोस्ट कर दूंगी, ओके, ताकि आप देख कर सोएं। इमीडिएट एक्शन, हमारी गौ माता के बच्चे को गर्म ना लग रहा हो इसलिए थोड़ा सा आगे कर रही थी, गरम गरम। इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है आपकी तरफ, आपके पर्सन की तरफ से। बॉटम ऑफ द डेक है सक्सेस, विक्ट्री एंड सक्सेस, तो भोपू बज रहा है यहाँ पर आप लोग क्या कहते हैं इसे? हम लोग बचपन से इसे भोपू कहते हैं, भोपू। एक्चुअली बारात में बजता था तो हमारे दादा लोगों ने कहा था, तो तब से हम लोग इसको इसी नाम से बुलाते हैं। वैसे तो इंग्लिश में क्या कहते हैं सबको ही पता है, बट हिंदी में क्या कहते हैं आपके यहाँ ये बताइएगा कमेंट में। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 4। यहाँ पे 4-4 की सिंक्रोनिसिटी है, और इसके अलावा वी हैव 1-4-4, तो 1-4-4-4, 1-9 and 2, तो यहाँ पर 1-4-4 की एनर्जी है, 4-4 की एनर्जी है। और बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि आपके सब्र का रिज़ल्ट अब आपको मिलेगा, दिस इज़ रिज़ल्ट टाइम। तो बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो बहुत टाइम से सब्र रखे हुए हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मेरा पार्टनर मुझसे सच में बहुत प्यार करता है या करती है, मुझे विश्वास है और वो मेरे लिए एक्शन लेगा ही लेगा या लेगी ही लेगी। तो यहाँ पर आपका जो विश्वास है वो जीतता हुआ नज़र आ रहा है। आज ही मैंने करंट फीलिंग्स में मेरे किसी व्यूअर का 1 साल के बाद यूनियन हुआ है, तो लोग सब्र रखते हैं और सब्र का फल उन्हें मिलता है। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद यूनियन हुए हैं, और कई तो बहुत ही रेयर एक्सेप्शनल केसेस हैं जो 21 साल बाद, 15 साल बाद यूनियन हुआ है, मे बी दे आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स और समथिंग लाइक दैट। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो सेपरेट हुए थे उनका यूनियन, और उसके बाद सीधा सीधा शादी, कमिटमेंट, मैंने देखे हैं बहुत सारे केसेस। तो सब्र का फल डेफिनेटली मिलता है, और यहाँ पर पेशेंस का जो कार्ड है ये बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को आपके सब्र का फल मिलने वाला है, अंधेरा दूर होगा, उजाला आएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर एक सॉलिड फाउंडेशन आपकी क्रिएट होने वाली है आपके पर्सन के साथ। अथॉरिटेटिव डिसीजंस लेंगे जो कि यूनियन से रिलेटेड होगा। आप स्पिरिचुअल यूनियन को क्लेम कर सकते हैं, सक्सेस को क्लेम कर सकते हैं, आप दोनों का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो सक्सेसफुली दूर हो जाएगा।
राइट पाथ पे आपके पर्सन डिसीजन लेने वाले हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी इनकी एनर्जी में टावर मोमेंट्स और सफरिंग, और आप कह सकते हैं कि एनर्जी थोड़ी सी इंटेंस है, बट इट्स ओके, आपके फेवर में हो। भले इनको थोड़े से, जैसे आपने कष्ट सहे हैं, थोड़ा सा इनको भी सहना ही पड़ेगा, बट निकल जाएंगे उन सिचुएशन से, तो बहुत ज़्यादा आपको घबराना नहीं है। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज, क्लियर एनर्जी ब्लॉक्स एक्टिवेटिंग द हायर चक्रास। देखिए 11-11 पोर्टल अब बहुत करीब है, आज 7 तारीख है, और 11-11 की जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत इंटेंस होती हैं। 11-11 देखिए कई मायने से होता है, जैसे आपके कुंडलिनी जागृत के लिए, आपके चक्रा हीलिंग के लिए, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत के लिए, एक पिनेकल एंड होने के लिए। तो कई लोगों की तो असेंशन प्रोसेस में बहुत फास्ट पेस में असेंशन होती है। इस टाइम पीरियड में विविड आपको ड्रीम्स आएंगे, ड्रीम्स में आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी एनर्जी ब्लॉकेज है, जो भी ऐसी ब्लॉकेजेस हैं जो चक्रा से रिलेटेड हैं, जैसे कि अगर रूट चक्रा से रिलेटेड ब्लॉकेज है तो आपको पैसे की किल्लत होगी, घर में कोई ना कोई कष्ट होगा, घर के माहौल में प्रॉब्लम होगी, या इवन आपके कमर के नीचे के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम हो, लेग्स में प्रॉब्लम हो, यूरिक एसिड हो, यूरिन इन्फेक्शंस हो, जोड़ों के दर्द हो, अर्थराइटिस हो, इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये सारे रूट चक्रा से रिलेटेड हैं। ठीक है, पैरों में बहुत दर्द होता हो, जॉइंट्स में पेन होता हो, ये सारे रूट चक्रा के प्रॉब्लम हैं। तो अगर आपका ये ब्लॉकेज है तो आपको ये पता चल जाएगा। एनीवेज मैंने रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक सभी के वीडियोस बना रखे हैं, तो बहुत डीपली इसको नहीं देखेंगे, आपने वीडियोस देखे होंगे आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। हील योर 7 चक्रास, क्या साइन है, क्या सिम्टम्स हैं, वो सब मैंने उसमें बताए हुए हैं। तो जो भी चक्र आपका ब्लॉकेज होगा, जो भी एनर्जी आपकी ब्लॉक होगी, जो आपको ऊपर आगे बढ़ने से रोक रही है, वो हीलिंग होगी। यहाँ पर आपके हीलिंग भी होगी, और अगर ऑल चक्रास आर हील्ड तो असेंशन प्रोसेस भी होगा। जिस चक्रा में अभी आप हैं, जितने हील हो चुके हैं उसके ऊपर का एक्टिवेट होगा। अब जैसे आप रूट चक्रा हील कर चुके हैं तो सैक्रल चक्रा एक्टिवेट होगा, सैक्रल चक्रा हील करेंगे तो सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट होगा, सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट हो चुका है तो हार्ट चक्रा एक्टिवेट होगा। इस तरह से एक ऊपर की जो लेयर है वो एक्टिवेट होगी इस पोर्टल गेटवेज के आसपास। साथ ही साथ वी हैव स्पीक योर ट्रुथ एक्सप्रेस योरसेल्फ नंबर 88। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे कार्मिक सिचुएशंस में हैं, किसी ऐसे कार्मिक बंधन में हैं जहाँ पर ये अपने बारे में बोल नहीं पा रहे, अपने लिए लड़ नहीं पा रहे, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी टॉक्सिक रिलेशन में होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़का है, वाइफ टॉर्चर कर रही है, वाइफ बात बात पर ताने मार रही है, प्रोफेशनल लाइफ में जो प्रेशर है वो तो झेल ही रहा है, घर का भी प्रेशर झेल रहा है, घर में भी सुकून नहीं, ऑफिस में भी सुकून नहीं। तो ऐसे जो लोग हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी प्रॉब्लम्स को। इसी तरह फीमेल्स हैं, कई बार फीमेल्स बहुत सहती हैं, घर में डांट खाना, मार खाना, दिन भर काम करना, उसके बाद भी रिस्पेक्ट ना मिलना, तो इंडिपेंडेंट भी नहीं है, जॉब भी नहीं कर रही हैं, अपने हर बेसिक नेसेसिटी के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना है, तो ये भी चीज़ें हैं। शादी हो गई, घर भी अपने मायके भी नहीं जा सकते, मायके भी अगर बहुत सोफिस्टिकेटेड टाइप का है, बहुत ही रूढ़ीवादी जो सोच होती है कि नहीं अब तुम्हारी शादी हो गई तुम अपने घर में जाओ, पिता और माता की समाज में इज्जत चाहती हो तो चली जाओ, तो ये जो चीज़ें हैं वो करें तो करें क्या, एक्सप्रेस किसको करें, कैसे करें। तो ये भी एक कार्मिक बैकलॉग है जो आपके पिछले जन्मों से रिलेटेड कर्मा है, जिसके कारण इस तरह की सिचुएशंस आपको मिल रही हैं। लेकिन देखिए हर किसी का कर्मा होता है, हर कोई किसी न किसी प्रॉब्लम से गुजरता है, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए रास्ता होता है, लेकिन उस रास्ते को आपको अपनाना पड़ेगा, आपको डेयर करके अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप ले ही नहीं सकते, आप सच बोल ही नहीं सकते, आप अपने लिए खड़े हो ही नहीं सकते, तो फिर आप दबते जाते हैं और लोग आपको और दबाते जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो जिसके लिए भी होगा उस तक पहुँच जाएगा। आप चाहें तो कमेंट में लिखिए, चाहें तो ना लिखिए, वो आपकी प्राइवेसी कंसर्न है।
तीसरा मैसेज है मरकबा एक्टिवेशन। मरकबा एक्टिवेशन पे मैंने फ़िलहाल तो कोई वीडियो नहीं बनाई है, आप में से बहुत सारे लोग हैं गूगल पे जिन्होंने बना रखी है, तो उस पर मैं डीपली नहीं जाऊँगी। मरकबा एक्टिवेशन में देखिए, यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन, एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिवाइन से आप अलाइन हो जाते हैं, और डिवाइन से जब आप अलाइन हो जाते हैं तो आपको, जैसे कर्ण के पास एक शील्ड थी जो उसे प्रोटेक्ट करती थी सूर्य की तरफ से, वैसे ही एक शील्ड आपको मिल जाती है। आपके ऑरा से कोई नेगेटिविटी अट्रैक्ट नहीं होगी, आपसे जो मिलेगा, जो बात करेगा वो पॉजिटिव होता जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आप, आपका पार्टनर और डिवाइन, तीनों लोगों की अलाइनमेंट यहाँ पर यूनिवर्स से होती है, तो डिवाइन और आपके पर्सन और आप तीनों की एनर्जीज अलाइन हो जाती हैं। तो ये जो एक्टिवेशंस हैं ये भी स्पेशली 11-11 पोर्टल के आसपास, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ग्राउंडिंग एनर्जीज में रहिए, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन आप कर सकते हैं अपने आप को बैलेंस आउट करने के लिए, क्योंकि एनर्जी इंटेंस होगी। लास्ट में है ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज। कई लोगों की लाइफ में ये चेंज हो चुका है ऑलरेडी, कई लोगों की लाइफ में स्टिल गोइंग ऑन। तो यहाँ पे हेड वर्सेस हार्ट का गेम होगा, दिमाग की सुने या दिल की सुने। और ये जो चेंज है ये बहुत ज़्यादा आपके लोअर सेल्फ को रिलीज़ करने वाला होगा, जो भी एनर्जीज आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं डिवाइन पाथ पर, वो सारी रिलीज़ हो जाएंगी। तो ये आज की एनर्जी है, आज के गाइडेंस हैं, होप आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में किसी न किसी मोड पे ज़रूर काम आएंगे। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।